हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस पूरे यूनिवर्स में वैज्ञानिक अर्थ जैसे प्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं। इन ग्रहों की खोज में कैपलर स्पेस टेलीस्कोप एक अहम भूमिका निभाता है। कैपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसा ग्रह भी खोजा था जिसे अर्थ 2.0 नाम दिया गया था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थ और अर्थ 2.0 के बीच की समानताएं। तो फिर देर किस बात की, लेट्स बिगिन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दोस्तों, इस ग्रह का नाम कैपलर 452b रखा गया है। और दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि कैपलर स्पेस टेलीस्कोप को नासा द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया था और 2015 में कैपलर ने इस ग्रह की खोज की थी। पृथ्वी से बाहर जीवन को खोजने की कोशिश में कैपलर स्पेस टेलीस्कोप को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। दोस्तों, ये ग्रह पृथ्वी से 1400 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। कैपलर 452b यानी अर्थ 2.0 385 दिनों में अपने तारे का चक्कर लगाता है। बात करें इस ग्रह की साइज की, तो ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 60% ज़्यादा बड़ा है। हमारी पृथ्वी का डायमीटर 12,740 किलोमीटर है, जबकि कैपलर 452b का डायमीटर लगभग 20,000 किलोमीटर है। कैपलर 452b जिस तारे की परिक्रमा करता है वो तारा 6 बिलियन ईयर्स पुराना है, यानी इस सोलर सिस्टम का उम्र 6 अरब साल है, जो कि हमारे सन और सोलर सिस्टम की उम्र से 1.5 बिलियन ईयर्स अधिक है, यानी 1.5 अरब साल अधिक है। वैज्ञानिकों के अनुसार माना जा रहा है कि कैपलर 452b का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ से 2 गुना ज्यादा है। बट दोस्तों, एलियंस के इस ग्रह पर मौजूदगी के बारे में अभी नासा ने कोई बयान नहीं दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। कोई तरीका है भीख मांगने का? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।